दोस्तों खबर नुसरत और उनके पति निखिल जैन को लेकर है, जिनकी कहानी के साथ साथ सोशल मीडिया पर अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का रिश्ता भी सवालों के घेरे में आ गया। सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी को लोग ट्रोल कर रहे हैं और इन सब के बीच में राज कुंद्रा ने भी इसका जवाब देकर बड़ा खुलासा कर दिया। क्या पूरा मामला है वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले नुसरत जहां और निखिल की बात करते हैं, जहां लगातार उनकी कहानी फिल्मी हो चली है। तस्वीरें तो नुसरत जहां के बेबी बम्प की भी आ चुकी हैं। लोगों के जहन में फिर सवाल ये उठ रहा है कि ये बच्चा किसका है। सवाल दो पर है, पहला खुद पति निखिल जैन पर और दूसरा यशदास गुप्ता, जिनके साथ नुसरत ने कई फिल्मों में शूटिंग की और उस फिल्मों की शूटिंग के दरमियान ही निखिल जैन कहते हैं कि तब से ही नुसरत का रवैया और उनका व्यवहार बदलने लगा। निखिल कहते हैं कि बतौर पति उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन नुसरत का व्यवहार अब उनके चरित्र पर ही सवाल उठा रहा है। और इसी उठते सवालों के बीच में शिल्पा शेट्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल शिल्पा शेट्टी जो कि राज कुंद्रा की दूसरी पत्नी है और पहली पत्नी कविता शिल्पा शेट्टी को लेकर आरोप लगाती आ रही हैं कि जब भी मैं शिल्पा की तस्वीर राज के साथ देखती हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी जी रही है। और इन्हीं आरोपों के पुराने इंटरव्यू के वायरल होने के बाद राज कुंद्रा ने अपनी पुरानी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिक्र किया एक नाजायज रिश्ते का। दावा किया कि बहन के पति के साथ उसके संबंध थे। इसको कई बार आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। कुंद्रा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, मेरा परिवार तो टूट ही चुका था, लेकिन साथ में मेरी बहन का घर भी बर्बाद हो रहा था। दो परिवार बिखर रहे थे। उन्होंने यानी कि कविता ने जरा भी नहीं सोचा, उल्टा शिल्पा को इसका जिम्मेदार ठहराया। शायद मेरे इस बयान के बाद शिल्पा मुझसे नाराज हो जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये सच सबके सामने आए, लेकिन सच बहुत देर तक छुपता नहीं। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है और वो परिवार के सभी सदस्यों से लड़ती थी। हम सब साथ रहते थे क्योंकि तभी भारत से यूके में वे सेटल हुए थे। इस दौरान कविता और मेरे भैनोई के बीच काफी नजदीकियां आ गई थी और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी कविता। खासतौर पर जब मैं बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर जाया करता था तो दोनों को साथ में और ज्यादा समय मिल जाता था। परिवार के कई लोग, यहां तक कि मेरे ड्राइवर ने भी बताया कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन मैं किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। मैं पूरी कोशिश करता था कि दोनों परिवार खुश रहें। कविता और अपने पति के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर मेरी बहन को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने भारत वापस जाने का फैसला लिया। वो सोचती थी कि वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी भी चीजें वैसे ही रहीं। कविता और मेरे पूर्व बहनोई के बीच में लंबी बातें होनी शुरू हो गईं। कविता अपना ज्यादा से ज्यादा समय बाथरूम में बिताती थी। बाद में मुझे बाथरूम से एक सीक्रेट मोबाइल फोन मिला जो कविता का था। फोन से कई ऐसे मैसेज मिले जो उसने मेरी बहन के पति को किए थे। बस उसी दिन मेरा दिल टूट गया और मैं बहुत रोया। मैं यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये सब हुआ है। मैंने अपनी प्रेग्नेंट बहन को बताया कि वो नंबर कविता का है और मैं उसे अब उसके घर छोड़कर आ जाऊंगा और यही सब खत्म कर दूंगा। मेरी बहन प्रेग्नेंट थी और इस खबर को सुनकर उसका भी दिल टूट गया। जब मैं कविता से और मेरी बहन अपने पति से अलग हो गए थे तो हमारे तलाक की बात शुरू हुई। हालांकि तलाक के समय कविता ने ज्यादा मांग नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी गलती है। लेकिन बाद में उन्हें जैसे ही पता चला कि शिल्पा और मैं साथ में हैं, तो उन्होंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। इसके साथ ही शिल्पा को होम ब्रेकर भी कहना शुरू कर दिया। मैं पहले ही ये बात सामने लाना चाहता था, लेकिन शिल्पा ने मुझे आज तक रोक के रखा थी। तो बहरहाल दोस्तों, राज कुंद्रा सही बोल रहे हैं या फिर शिल्पा शेट्टी सही कह रही हैं या फिर उनकी पुरानी पत्नी कविता सही बोल रही हैं, ये तो जांच का विषय है। किसी के चरित्र पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन हम आपको खबर जरूर पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।